नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सो व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग एक वो टेक्निक होती है जिससे हम नॉर्मल पॉपुलेशन में कुछ ऐसे टेस्ट करके कोई भी कैंसर को उस स्टेज में पकड़ सकते हैं जब वो कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहा हो। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग किस एज ग्रुप में की जाती है? ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जनरली अमेरिकन रिकमेंडेशन जो है बोलते हैं कि 40 इयर्स के ऊपर कोई भी अगर फीमेल है तो उनका हम मैमोग्राफी के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से 40 से 50 इयर्स एज के बीच में हर 2 से 3 साल में अगर आप मैमोग्राफी करके ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करते हैं तो वो इनफ होता है। एंड आफ्टर एज ऑफ 50 इयर्स एवरी 1 to 2 ईयर स्क्रीनिंग बाय मीन्स ऑफ मैमोग्राफी इज इंडिकेटेड इन फीमेल्स। सो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का एडवांटेजेस क्या होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का एडवांटेजेस, जैसा कि मैंने बोला कि यह एक नॉर्मल पॉपुलेशन में करने वाले टेस्ट होते हैं, तो नॉर्मल पॉपुलेशन में हम अगर स्क्रीनिंग करते हैं तो कैंसर जो कि अभी जिसने कुछ सिम्टम्स कॉज नहीं करे हैं हम उसको बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। और इसके कारण हमने ट्रायल्स में यह देखा है कि जो स्क्रीनिंग पिक्ड कैंसर्स होते हैं वो उन पेशेंट्स का सर्वाइवल एज़ कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स जो सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं उनसे बेटर होता है। तो स्क्रीनिंग एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है एक ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए, एक कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए, और उससे हम पेशेंट के रिजल्ट्स और सर्वाइवल एक काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पेशेंट्स जिन्होंने सिम्टम के साथ प्रेजेंट किया। थैंक यू।